आम तौर पर कोई पॉइंट रखने के लिए या कोई स्पेसिफिक मैसेज बताने के लिए हम चार्ट क्रिएट करते हैं कभी हमें अपने क्लेम्स को विजुअली शो करने के लिए चार्ट्स की जरूरत होती है एग्जाम्पल के लिए बार चार्ट्स के साथ आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सेल 10 परसेंट इनक्रीज हो गई है या चार्ट्स यूज करते हुए डिफरेंट फील्ड्स के कंपैरिजन में ये कहते सुना होगा कि एनालिटिक्स इंडस्ट्री में जॉब्स बढ़ रही हैं आपने लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी जब वो चार्ट्स यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके चार्ट से भी एक मैसेज निकलना चाहिए बिना मैसेज के आपका चार्ट स्लाइड में डंप की हुई पिक्चर से ज़्यादा कुछ नहीं है और आजकल चार्ट्स बनाने की काफ़ी इजी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे कि ये काम आसान हो गया है और हमें चार्ट्स में बिना काम का डेटा भी देखने को मिलता है जो कि कोई मैसेज या आउटकम्स नहीं दे पाता उन्हें बस बेवजह चार्ट में डंप किया जाता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इन सब चीजों को अवॉइड कर पाओगे जो मैंने एग्जांपल्स में बताई हैं, और आप असरदार और मीनिंगफुल ग्राफ्स में से रैंडम डेटा ट्रम्स पॉइंट आउट कर सकोगे तो चलिए हमारे टॉपिक पर चलते हैं कम्युनिकेटिंग फ्रॉम चार्ट सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरीज हैं उनमें से हमें उस मैसेज की एक कैटेगरी असाइन करने की जरूरत है जिसे हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं हम मैसेज कैटेगरी के आधार पर बेस्ट चार्ट सेलेक्ट करना सीखेंगे तो चलिए पहले कैटेगरी पर नजर डालते हैं पहली कैटेगरी है जब हम एक आइटम को दूसरे आइटम से कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल के लिए किसी चार्ट में एक कंपनी की सभी रीजन की सेल है और हम उन रीजन में से नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन की सेल को कंपेयर करना चाहते हैं दूसरा कंपेयरिंग डेटा ओवर टाइम एग्जाम्पल के लिए कोई चार्ट मंथ्स के हिसाब से सेल शो कर रहा है और टाइम के साथ बदले ट्रेंड्स को भी इंडिकेट कर रहा है तीसरा मेकिंग रिलेटिव कंपेरिजन्स एग्जाम्पल के लिए इलेक्शन रिजल्ट्स के दौरान हम कॉमन पाई चार्ट देखते हैं पाई चार्ट्स इलेक्शन में डिफरेंट पार्टीज के द्वारा जीती गई सीटों और वोट की परसेंटेज को शो करते हैं मैसेज का फोर्थ टाइप है कंपेयरिंग डेटा रिलेशनशिप्स हो सकता है हम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहें वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप का कॉमन एग्जाम्पल है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर वर्सेस सेल मानो आप देखना चाहते हो कि मार्केट एक्सपेंडिचर से आपकी सेल इंक्रीज हो रही है या नहीं फिफ्थ कैटेगरी है फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन। इसका एक काफी कॉमन सा एग्जांपल है हिस्टोग्राम जो शो कर रहा हो कि कितने स्टूडेंट्स ने 80 से 100 के बीच 60 से 80 के बीच और 60 से नीचे मार्क्स स्कोर किए हैं लास्ट कैटेगरी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स एंड अनयूजुअल सिचुएशंस। अगर आपके पास हजारों डेटा पॉइंट्स हैं तो चार्ट उन डेटा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है जो रिप्रेजेंट करने लायक नहीं है जैसे कि मिस कैलकुलेटेड डेटा मिस रिकॉर्डेड डेटा या वो डेटा जिसमें कुछ इश्यूज हों एग्जाम्पल के लिए मानो आप किसी सर्टेन रेडियस की कोई टेनिस बॉल मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप इन बॉल्स की रेडियस को एक चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं और गलत मैन्युफैक्चर बॉल को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी डिफरेंट डायमेंशन हो तो आई होप कि आप अपने मैसेजेस को इनमें से किसी एक कैटेगरी में असाइन करने में कामयाब होंगे थोड़ा टाइम लो और देखो के जो आपने अपने काम में लास्ट चार्ट बनाया था और उस चार्ट के मैसेज को इनमें से किसी एक कैटेगरी में असाइन करो अगले लेक्चर में हम चार्ट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स को देखेंगे